हेलो स्टूडेंट्स सो इन टूडेज वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट वॉट इज द यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आर इंग्लिश ग्रामर सो लेट्स स्टार्ट बाई नोइंग वॉट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच अ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल क्लास ऑफ वर्ड इसका मतलब होता है कि ये एक क्लास ऑफ वर्ड है जो कि ग्रामर में यूज़ होते हैं ऑलरेड लाइक right. like, जैसे कि नाउन एडजेक्टिव वर्ब एक्सेट्रा जो कि हम आने वाले पार्ट ऑफ स्पीच हैज बीन क्लासीफाइड इंटू एट सब टॉपिक्स और यू कैन से सब पार्ट्स एंड दे आर नाउन प्रनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रपोजिशन कंजक्शन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरजेक्शन सो वील बी स्टडिंग ऑल दीज वन बाय वन लाइक फॉर दीज वील बी स्टार्टिंग विद लेट स्टार्ट विद नाउन वॉट इज नाउन

Like name of a person, Jerry, Jennifer, thing can be a bat, ball, table, chair, animal can be an dog, cat, lion, place can be an Agra, Delhi, Taj Mahal. idea can be an happiness, sadness, anything. So these are nouns. Okay, so now we'll move forward to know better what are the nouns and what are the types of noun. So in types of noun, we have first type as proper noun. proper noun refers to a single thing person or place when there is no common name for it proper noun wo noun hote hain jo unique hote hain or you can say common nahi hote bas single present hote hain environment mein example delhi it refers to a particular place delhi ek hi hai india mein there is no other delhi so, जो भी singular चीज़ होती है market में या फिर जो भी singular चीज़ है environment में उसको हम proper noun कहते हैं देन वी हैव सेकेंड नाउन टाइप्स ऑफ नाउन दैट इज कलेक्टिव नाउन वॉट इज कलेक्टिव नाउन इट इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल थिंग प्लेस और एनिमल कलेक्टिव नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कलेक्टिव मतलब कलेक्शन सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग और प्लेस और एनिमल तो एग्जाम्पल्स कैन बी फ्लॉक फैमिली टीम टीम ग्रुप होता है फैमिली भी ग्रुप होता है लोगों का परिवार के जनों का सो इट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन अपनेक्स्ट वी हैव कंक्रीट नाउन वॉट इज कंक्रीट नाउन कंक्रीट नाउन इट रेफर्स टू द थिंग्स विच वी कैन सी एंड विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस सो कंक्रीट नाउन वो नाउन होती है जिनकी मार्केट में फिजिकल एग्जिस्टेंस है एन्वायरमेंट में फिजिकल एग्जिस्टेंस है मतलब हम उन्हें देख सकते हैं और उन्हें छू सकते हैं एग्जाम्पल्स चेयर टेबल बैट बॉल राइस वीट एक्सेट्रा

झूठ होता है लाए हैप्पीनेस होती है लव होता है फ्रेंडशिप होता है वी कैन फील ऑल दीज इमोशंस बट वी कैन नॉट टच सो दीज आर नोन एज एब्सट्रैक्ट नाउन देन वी हैव कॉमन नाउन अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर मेनी थिंग्स प्लेसेस एंड पर्सन इट इज लाइक कॉमन नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ही कॉमन थिंग है चाहे वो नाम प्लेस का हो थिंग का हो एनिमल का हो या पर्सन का हो एग्जाम्पल कंट्री अब कंट्री इज़ अ वेरी कॉमन थिंग मतलब हम हर देश के लिए कंट्री यूज कर लेते हैं सिटी स्टेट एक्सेट्रा देन वी हैव नॉन काउंटेबल नाउन द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि वो ऐसा नाउन होता है जो हम काउंट नहीं कर सकते एग्जाम्पल ऑयल वाटर शुगर क्या हम ऑयल को काउंट कर सकते हैं नहीं क्या हम वॉटर को काउंट कर सकते हैं नहीं तो जो भी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते दे आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन और नॉनकाउंटेबल नाउन देन वी हैव कंपाउंड नाउन समटाइम्स टू और थ्री नाउन अपीयर टुगेदर और इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड क्रिएट आइडियोमेटिक कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो समटाइम्स दो और मोर नाउन क्रिएट करके बनाते हैं जैसे सिक्स पैक सिक्स ईयर ओल्ड इसमें आप देख सकते हैं दो या दो तो से अधिक नाउन मिलके एक नाउन को बना रहे हैं उसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं देन वी हैव काउंटेबल नाउन As the नेम सजेस्ट the नाउन विच कैन बी काउंटेड हम जिनको काउंट कर सकते हैं वो जाने जाते हैं काउंटेबल नाउन के नाम से एग्जाम्पल फाइव चेयर सिक्स टेबल टू गर्ल्स एक्सेट्रा मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक काउंट कर सकते हैं So these are known as countable nouns, and they these eight are known as subpart of the nouns, or you can say types of noun.